फिर खास द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी यहाँ नोएडा में कि एक छपरौला में एक मकान है जिसमें स्टीरॉइड्स भारी मात्रा में बन रहे हैं और उनकी जो है विक्रय भी किया जा रहा है। तो उसी की सूचना पे जब हमने अपने उच्चाधिकारियों से बात की तो उनके द्वारा एक टीम बनाई गई जो मेरठ मंडल में जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनके साथ हम लोगों ने पुलिस बादलपुर से मदद मांगी और उनके साथ संयुक्त रूप में हमने उस जो मकान है उस पर रेड की। ड्यूरिंग रेड जब देखा गया तो स्टीरॉइड्स बहुत भारी मात्रा में पैकिंग और उसका रॉ मटेरियल और उसका फिनिश गुड और इसकी जो पैकिंग वगैरह मशीन के साथ मौके पे पाई गई। उसमें एक अभियुक्त है अनुज सिंह, उसके साथ दो और हैं जो लेबलिंग करते मौके पे पाए गए, उसका नाम है वचन सिंह जो उसकी प्रिंटिंग में भी हेल्प करता है, जो लेबल्स वगैरह जो बनाता है उसमें हेल्प करता है, और एक उसका प्रीतम सिंह है जो भी उसकी पैकिंग में हेल्प करता था। तो मौके पर जितनी भी रॉ मटेरियल है और जो पैकिंग मटेरियल है और जो फिनिश गुड है उसका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस या कोई भी उसका क्रय विक्रय मौके पर उसने नहीं दिया। इसी के चलते हमने उस जो पैकिंग मटेरियल रॉ मटेरियल और जो फिनिश गुड है उसमें से तकरीबन 20 नमूने उसको बाइफरगेट किया है। रॉ मटेरियल जो वो लेके आता है, उसके बाद सेमी फिनिश जो वो बना रहा था और जो फिनिश जो बना के आगे बेचना चाहता था, उन तीनों में बाइफरगेट करके उसको 20 सैंपल में हमने लिया है जिसको हम अभी जाँच के लिए भेज रहे हैं। बाकी बची जितनी भी औषधियाँ हैं, जितनी भी पैकिंग मटेरियल है, जिसको ये बेचने की तैयारी में थे, जिसको ये बेचना चाहते थे हरियाणा में, उसको हमने सीज कर लिया है, जिसकी जो अनुमानित कीमत है वो तकरीबन 1.5-2 करोड़ के करीब होगी। प्रोडक्ट बेसिकली ये ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं जिसमें स्टीरॉइड्स हो, सोमेटोट्रोपिन है और IGF है, जितने भी ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं, जैसे कि आपको जिम में ये बॉडी बिल्डिंग में जो है यूज़ होते हैं, ग्रोथ हॉर्मोन्स कहते हैं स्टीरॉइड्स, तो उनकी ये मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग कर रहे थे। थाना बादलपुर का मुखबिर के द्वारा एक अवैध स्टीरॉइड और सप्लीमेंट बनाने वाले कंपनी के बारे में सूचना आई थी। इसमें बादलपुर पुलिस ने तुरंत ड्रग डिपार्टमेंट के संयुक्त में एक जॉइंट टीम बनाकर रेड की गई थी। रेड के दौरान पता चला है कि वहाँ 3 लोग अवैध तरीके से, जैसा ये बॉडी बिल्डिंग में यूज़ होता है ग्रोथ हार्मोन, अन्य स्टीराइड्स टेस्टोस्टेरोन वगैरह का, ये लोग अवैध तरीके से बना के एक रेवाड़ी ज़िले में 2 लोग सप्लीमेंट करते हैं, वहाँ से ये रॉ मटेरियल भी वहीं से लेते हैं, ऐसे फिनिश करा कर फिर पैकिंग बनाकर उन्हीं को वापस करते हैं। इस 3 लोग को हम लोग गिरफ्तारी करके जेल भेज रहे हैं। इसमें एक मेन है, इन्होंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी भी किया है, बहुत अच्छी कंपनियों में नौकरी भी करके ये काम लास्ट 6 महीने से कर रहा है। इसमें ये फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद ये फॉरेन कंपनियों का कुछ वो रैपर वगैरह बनाकर ये बेच देते हैं। सर कितने टोटल कितने लोग थे ये? इसमें अभी 3 लोग का गिरफ्तारी करके जेल भेजा जा रहा है और 2 लोग इससे फरार है, उन लोगों को गिरफ्तारी करने के लिए कोशिश हो रहा है। और क्या क्या बरामद हुआ है इनसे? इन लोगों से रॉ मटेरियल जिसमें वो मेडिसिन बनाते हैं वो, और कुछ सेमी फिनिश्ड ड्रग और फाइनल इंजेक्शंस, और उसके अलावा ये मशीन वगैरह भी बरामद किए हैं। जो इनसे ड्रग बरामद किया गया उसकी कीमत कितनी है? लगभग ये लगभग 2 करोड़ का है। जो मेन आरोपी है कहाँ से एजुकेशन की थी, कितना पढ़ा हुआ है? ये मेन आरोपी है, इनका नाम अनुज है, ये बीटेक वेल रिनाउंड कॉलेज से चेन्नई से किया है, उसके बाद उन्होंने 7 साल बढ़िया फार्मा कंपनी से भी काम कर चुका है।